अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। सुभान, तुम्हारी चाय। फिजा, मैं चाय नहीं पीता, मेरे लिए ब्लैक कॉफी, मेरी वाली है। जी। सुभान, पराठे बनाए हैं तुम्हारे लिए। दादी, मैं कुकीज ली। अच्छा। आधा पराठा खा लो सुभान। मुझे नहीं खाना। पोहा। थैंक यू। पोहा तो खाई। मैंने खाना, मुझे नहीं खाना। क्यों करो ये सब कुछ? अगर ये सब करना तो उठ के चला जाऊंगा यहां से, समझी? मन्नत की लगाई आग ने आखिर हवा पकड़ ही ली। ये आग भी इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी। खड़ियां टूट जाएंगी, वक्त ठहर जाएगा, पर जो आग मैंने इन दोनों के रिश्ते में लगाई है वो कभी नहीं बुझेगी। नानी अम्मी, इबादत पे अगला वार करने का वक्त आ गया है। मन्नत, मन्नत बोलो, क्या हुआ? गले में जलन हो रही, साधक से कुछ पानी लगता है। तुमने कहीं पीनट्स तो नहीं खाए? बोलो मन्नत, तुम्हें पता है ना तुम्हें डॉक्टर ने पीनट्स खाने के लिए मना किया, तुम्हें एलर्जी है। मम्मी, पीनट बटर। अल्लाह। मन्नत, पानी पी लो मन्नत, अगर पीनट्स खाए तो उसका असर डाइल्यूट हो जाएगा। प्लीज जल्दी करो, पानी पियो। खुदा खैर करे। अरे जब जानते हैं कि मूंगफलियाँ मन्नत के लिए किसी जहर से कम नहीं है तो फिर मन्नत के खाने में किसने मूंगफलियाँ डाल दी? कौन है मन्नत का दुश्मन इस घर में? अरे किसने खिला दी मन्नत को मूंगफलियाँ? अल्लाह, मेरी बच्ची की हालत तो देखो, मेरे मौला बचा ले मेरी बच्ची को, खुदा के लिए बचा ले। मन्नत, पानी पियो। पी नहीं सकती, गला मत हो रहा। सुबह हम इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। नहीं, हॉस्पिटल ले, आदमी भी खो जाओ। दुआमी, इसके पास एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होंगी ना? हाँ, मन्नत के पास ये दवाइयाँ रहती है उसके कमरे में। मन्नत, 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 मन्नू, ये तो बेहोश हो गई है। अल्लाह, मन्नत बेहोश हो गई बच्ची। सुभान, इसको इसके कमरे में लेकर चलो जल्दी, इसे एंटी एलर्जी दवाई देनी पड़ेगी। सच में इस चायबाज की तबीयत खराब हुई है या फिर ये नाटक कर रही है, जाके देखना पड़ेगा। इबादत, जल्दी से उसकी दवाई देखो। अरमान, तुम भी दवाई ढूंढो। हाँ, चलो। जल्दी इबादत, दवाइयाँ दो। अम्मी, उस ड्रॉअर में मेडिसिन्स नहीं है। अरमान, बड़ी अम्मी यहाँ भी नहीं है। अल्लाह, ये लड़की अपनी कोई चीज एक जगह क्यों नहीं रखती है? अब क्या होगा? अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, मिल जाएगी, मिल जाएगी मेडिसिन। मनु, मनु, याद करने की कोशिश करो, तुमने कहाँ रखी है मेडिसिन? हाँ मम्मी, बताओ। हाँ भी नहीं, मेडिसिन का नाम क्या मंगा लेंगे? मुझे बस इतना पता है कि वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेती है, नाम नहीं पता है। अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, ऐसा पहले भी हुआ था और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। अम्मी, शांत हो जाइए। अम्मी, मैं केमिस्ट को कॉल करती हूँ,
वो कोई एंटी एलर्जिक दवाई दे देगा। मैं जल्दी करूं। एक मिनट। देखिए मुझे भी ना मूंगफली के दानों की एलर्जी है और मैं ये इंजेक्शन लगा के ना ठीक हो जाती हूँ। ये वो अपनी फिरनी का इंजेक्शन है, इसे मन्नत को लगा दो तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लो 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 जल्दी अभी लगा दो। जल्दी लगाओ। ठीक लग रहा है? अल्लाह के लाख लाख शुक्र। मन्नत के नाश्ते में मूंगफली किसने मिलाई? मैं कुछ पूछ रही हूँ, मन्नत का नाश्ता किसने बनाया था? जवाब दो। नाश्ता तो मन्नत भाजी ने खुद अपने हाथों से बनाया था। नाश्ता मन्नत ने खुद बनाया था तो पीनट्स क्यों मिलाएगी उसमें? मन्नत अच्छी तरह से जानती है कि उसे पीनट से एलर्जी है। तो फिर इस घर में पीनट्स आए कहां से? या अल्लाह, कहीं मन्नत ने मूंगफली का बटर तो नहीं खा लिया? मैंने नहीं खाया छोटी दादी। अरे फिर ये तो पीनट बटर है। एक मिनट, मन्नत के बाद किचन में कौन गया था? आखिरी बार तो मन्नत बाजी थी किचन में, उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि सबको नाश्ते के लिए बुलाओ करके। मैं गई लेकिन उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि कौन आया किचन में। मनु सब ठीक हो जाएगा, इंजेक्शन लग गया है ना, सब ठीक होगा। क्या हुआ निगार, मुझे यहाँ अलग से क्यों बुलाया? मुझे आपको कुछ बताना है सुभान भाईजान। क्या? एक्चुअली मन्नत अप्पी के किचन से निकलने के बाद ना इबादत अप्पी किचन में गई थी। तो ये बात सबके सामने क्यों नहीं बताई? बताने का क्या फायदा, सब मुझे ही डांटते। सबको इबादत अप्पी पे भरोसा है तो बताने का फायदा ही नहीं था कुछ। तो मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? क्योंकि मेरे पास सबूत है, ये देखिए। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा ना मुझ पे, तो आप इबादत अप्पी के रूम में जाइए, वहां कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा आपको। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।